हेलो। यस सर। हाँ सर, क्लास चली गई किसी बैच में भी। सर किसी बैच में क्लास चल रही है क्या? नहीं सर, चलो ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। वो आप लोग को 10 11 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क के, यस सर। वो डिस्कस कर लिए थे कि चल रहे थे? ध्यान हाँ सर, हो गया डिस्कस। नहीं है, कब डिस्कस हुआ? नौ क्वेश्चन का सर आपने बोला था ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, तो 2-3 लोग ने आंसर डाल दिया था। कहाँ तक किया था इसमें हमने? फोर्थ वाला कंप्लीट किया था, और 5 6 7 8 9 दिया था, फिफ्थ का कंप्लीट किया था। फिफ्थ तक किसने कंप्लीट किया था? मैंने। हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्यूशन कोई नहीं दिख रहा है इसमें फिफ्थ का। मैं तुम्हारे ही बैच में हूँ ना। अरे तुम लोग कौन सा होमवर्क की बात कर रहे हो? तो वो नौ संख्या के लिए थे एग्जाम के लिए। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग यही वाला कह रहे हो ना? लास्ट क्वेश्चन उसमें y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1 टू रूट है। तो ये नोट्स तुम्हारे में कैसे, तो क्या चल रहा है? अभी जो मैंने टैग किया, अभी जो टैग करके भेजा है वो कब का है? फिर वही तो है लास्ट वाला होमवर्क, वो किसी ने नहीं किया है क्या? कौन सा कह रहे हो तुम लोग? बड़ी कंफ्यूजन है तुम्हारे बैच में। हेलो सर, इधर अभी तो कुछ नहीं आया, मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे। हाँ, कोई मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे सर? मैसेज नहीं आया। अरे PAB2 बैच, सर ये तो वो है, ये पहले के क्लास का, उसके बाद भी क्लास हुआ था उसमें आपने 9 क्वेश्चंस दिए थे। उसके बाद तुमको मैंने नोट्स भेजा नहीं था तुम लोग को? क्या चल रहा है? PAB2 बैच को मैंने नोट्स नहीं भेजा था सैटरडे वाली क्लास का? हाँ नहीं भेजा है, कहाँ भेज दिया तुम लोगों को मैंने? अच्छा तुम लोग को इस पे भेज दिया था मैंने होमवर्क वाले पे। चलो चलो ठीक है ठीक है, ध्यान आया। ओके हाँ चलो समझा मैं। हाँ बोलो फिर, इसमें कितना क्वेश्चन था, कहाँ इसमें क्या क्वेश्चंस थे? अच्छा ये डिस्कस हो गया था पूरा ग्रुप पे, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ 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 याद आया, क्वेश्चंस कहाँ लिखे हैं? क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं है इसमें मैंने। हाँ सर, वो क्वेश्चन आया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा? PDF तो कंप्यूटर बनाता है ना, हम थोड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे नहीं आया है सर? जो ग्रुप PV1 में भेजा था उसमें क्वेश्चंस नहीं थे। है ना, पेज नंबर आगे ऊपर नीचे, पेज नंबर 24 पे है ना 8 क्वेश्चंस, 15वें पेज पे है क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स लॉन एक्स है ना। अरे यही क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे थे ना, बस ही 10 मिनट चला गया यार। हम लोग यही क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन। हेलो हाँ सर।
तो कहां तक किया था मैंने? फिफ्थ तक किया था। सिक्स वाला क्या था? वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। हाँ, इसमें निकालना क्या आंसर में? रेंज निकालना, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, तो पहले अंदर वाले का रेंज निकालना पड़ेगा, राइट? यस सर। अंदर वाले का रेंज तो निकाल लेते हैं। अंदर वाले का रेंज तो मालूम है ना, अंदर वाले का रेंज कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव निकल जाएगा ना ये तो। वर्टेक्स कितना है? माइनस वन पे है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया इसका? माइनस वन कमा फोर आ गया, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी? हाँ, कहां से कहां आ गया बोलो? फोर से इन्फिनिटी, राइट? तो अब स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होता है। तो क्या होगा बोलो यहाँ पे? टू से इन्फिनिटी। अब कॉट इनवर्स फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। यार आपके पास छह ग्राफ के बारे में इन्फॉर्मेशन, डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी विल चेंज रिवर्स। अरे हाँ या ना भाई? यस सर। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। जीरो, यस सर। तो कहाँ से कहाँ आ जाएगा? जीरो से कॉट इनवर्स टू। तो रेंज क्या आ गया बोलो? जीरो से कॉट इनवर्स टू। देखो द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, ये जो कर रहा हो ना ये चीज इम्पोर्टेंट है, ऐसे तुमको क्या टफ क्वेश्चन भी आएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हर स्टेप पे मेरी बात सुनना, हर स्टेप पे मेरी बात सुनते रहना कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना। क्योंकि अगर एफ एक्स एस एम डी होता है तो रेंज क्या होता है? एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए, राइट? और एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होता है तो रेंज क्या होता है? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए रेज टू एक्स। तो वेयर डज ई की पावर एक्स लाई? जीरो से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अरे यार बोला करो यार, ई की पावर एक्स का रेंज क्या होता है? जीरो से इन्फिनिटी ना। यस सर। अभी साइन इनवर्स जब इस पे लगेगा तो पहली चीज क्या करते हैं, जब अपन रेंज निकालते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं? उतना ही इनपुट भेजते हैं जितना उसको एडजस्ट हो पाए। यस सर। तो ये चीज कहाँ रुक जाएगी? इसको कहाँ रोकना पड़ेगा हमको? वन तक रोकना पड़ेगा। क्यों? साइन इनवर्स जो है वो अपने अंदर इनपुट कहाँ से कहाँ ले सकता है? माइनस वन से -1। तो रोक दिए। अब साइन इनवर्स फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम सेम। उत्तर इज हाउ मच? जीरो से पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बोलो क्लियर है? यस सर। हां सर। यस सर। एट्थ क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स प्लस फ्रैक्शन 1 प्लस फ्रैक्शन। बताओ फ्रैक्शनल x को 0 से 1। फ्रैक्शनल x कहां से कहां होता है मेरे दोस्त? 0 से 1। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल x मेरे दोस्त 1 से 2। सेकंड इनवर्स फंक्शन कैसा है? जब भी कंफ्यूजन आए हमेशा ग्राफ बनाओ। ऐसा ही फंक्शन है ना? यस सर। हां सर। इंक्रीजिंग है ना? तो यस सर।
अरे आपको समझना पड़ेगा कि sec inverse के अंदर में वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 ना, तो आउटपुट क्या होगा? sec inverse 1 से sec inverse 2, तो y कहां से कहां आ गया? sec inverse 1 क्या होता है? 0, और sec inverse 2 क्या होता है? पाई बाई 3। यहां तक क्लियर है क्या? हां सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? cos इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन। cos इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन, यही है ना? ठीक है चलो करते हैं। तो पहले अंदर करेंट निकालोगे? यस सर। कितना आया अंदर करेंट, निकाल पाया कोई? यस सर। चलो अगले पेज, 3/4 अगले पेज तो करते हैं। y is equals to cos inverse sin square x ठीक है, तो पहले आपको रेंज किसका निकालना पड़ेगा बताइए? अंदर वाला, रूट के अंदर वाला। अब उसमें भी समस्या है, वहां पर भी रेंज किसका निकालना पड़ेगा आपको? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, चमकता है ना ये सब तो अभी? Yes, हाँ सर। तो पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? टी स्क्वायर, ये आपका ए एक्सिस है, ये आपका टी एक्सिस है। ओके बेटा, तो वर्टेक्स कितना आ गया? हाफ। वर्टेक्स इज हाफ, वर्टेक्स इज हाफ एंड द वैल्यू एट हाफ इज हाउ मच? 3/4। हमें कौन से ग्राफ से मतलब है भाई? हमें थोड़ा दुनिया उठानी है, माइनस वन से वन से ही मतलब है ना हमारे को? मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो धीरे धीरे लिख दूंगा डायरेक्ट, इतनी बार समझा पढ़ा दिया अब तो, है ना? तो रेंज क्या आएगा बोलो? 3/4 से माइनस वन, f of minus 1 plus 3/4 से 3 आया ना, नहीं आ रहा है क्या इतना? हेलो, यस सर, आ रहा है सर। तो अभी तो अपन को क्या मालूम चला कि sin square x minus sin x plus 1 किधर से किधर है? 3/4 से 3 है। अभी अपन को क्या करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भाई, रूट लेते जाओगे वैल्यू बढ़ते जाती है ना बेटा। कितना आता है ये? √3/2 से किधर तक? √3। अभी हम लोग को मालूम है ना अगले स्टेप पे क्या लगाने का? अपन को cos inverse। cos inverse क्या प्रॉब्लम? cos inverse क्या, उसका cos inverse कितना इनपुट अलाउ करता है? -1/7। अपन इसको रोक देंगे ना 1 पे, ये बात चमकती है, क्यों रोकना पड़ता है? यस सर। सिंस cos inverse x में x can lie from -1 to n, ये है ना? अब क्या लगाओगे? cos inverse। cos inverse कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो जब cos inverse लगाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज रिवर्स हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बोलो? 0 से पहले y belongs to 0 से pi by 6। y belongs to 0 से pi by 6। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो, इसे कॉपी करना तो कॉपी करो। पावर बैंक दो ना जल्दी जल्दी, फोन 1% है जल्दी। स्टॉप।
अरे रेहान रेहान लैपटॉप चार्जर। अरे किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए? पिछला वाला भी कॉपी करना है किसी को? देख लो भाई कॉपी करना है, बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो सर। वो आप क्वेश्चन नंबर 4 है ना, y is equal to sin inverse of x, x plus 1 by x वाला वापस बता सकते हो क्या? बता देंगे, क्या हो गया उसमें बताओ। सर उसमें रेंज वो phi कैसे आया? रेंज phi इसलिए आया क्योंकि जो x plus 1 by x का रेंज आया था ना, वो minus infinity से minus 2 आया था। हाँ सर। तो उसका रेंज आया था वो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आया था, समझ रहे हो? यस सर। और टू से इन्फिनिटी आया था, तो साइन इनवर्स के अंदर में ये सब वैल्यू कैसे जा सकती है? नहीं समझा? हाँ सर समझा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी को कॉपी करना है, आगे बढ़ू? बोलो भाई जल्दी बोलो यार। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। कॉपी हो गया इतना? यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। तो मुझे बताओ आपको थियो ग्राफ हमारे डन हो गए ना आपके यहाँ तो? यस सर। वो जो थियो ग्राफ थे वो आपके यहाँ डन हुए कि नहीं हुए अभी तक? डन हो गए हैं? हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हो गया सर। हाँ सर। हाँ चलो ठीक। अपन थोड़े से ना इस चीज पे कैटेगराइज करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इनइक्वालिटीज का। मैं क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। भाई आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जहां चाहो वहां ग्राफ में क्वेश्चन को चेंज कर लो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। यू नीड टू हैव अ वेरी बेसिक ग्रास्प कि क्या क्या चल रहा है। cot inverse x कहां को दे देते हैं आपको? रूट थ्री से छोटा। देन यू विल हैव अ बेटर फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x। क्वेश्चन, cot इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x। इन सबको आप सॉल्व करो।
भाई देखो मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है तो बोलो, नहीं तो बोलो मैं सॉल्व करूं, बोलो समझ में आ रहा है? अरे हेलो, नेट गया क्या? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सॉल्व करो, कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन और वहां पे 6 क्वेश्चन, 10 मिनट काफी है। आप में से टेस्ट के बाद बहुत लोगों ने मैसेज किया सर ये गड़बड़ हुआ वो गड़बड़ हुआ, डिस्कशन कब होगा? थोड़ी सी आप लोगों को मालूम ही है क्या हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है चीजें, तो कर देंगे डिस्कशन। क्या कुछ समझ में आया पहला कैसे करना है? यस सर। पहला क्वेश्चन बताओ तनय पटेल सॉल्व कैसे करें? सर ग्राफ से देखो तो -1 से बना। ग्राफ से कैसे देखोगे यार? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और साइन इनवर्स। हाँ बट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कैसे बना दिए तुम? सर -1 से 0 रहेगा और 1। How can you make sine versus x square का graph? ठीक है, you can make, but I don't think you have made properly. Sine versus x less than sine versus x square. Anybody else? Srinivas, कैसे solve करें? Sir, graphically भी कर सकते थे ना? Yes, we can do. How? Sine पहले चलो basic solve कर लेते हैं. देखो, first thing, x belongs to -1 से 1. इसका डोमेन क्या होगा? यू नीड टू एक्स स्क्वायर अगेन -1 से 1। चमकता है ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन क्या आएगा बोलो? साइन वर्स फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक है ना? अगर एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू दैट इंप्लाइज एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, ये बात चमकती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 से बड़ा, ओके तो क्या है आंसर यहां से? माइनस इन्फी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यहां से क्या आया आंसर? एक्स बिलोंग्स टू
माइनस वन से वन, यहां से क्या आया आंसर अगेन, x बिलोंग्स टू माइनस, अरे चमकता है ना, मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ, खिला रही है ना इस चीज की। तो अभी इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस वन से जीरो यूनियन वन। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। मेथड टू ऑब्वियसली किसी ने बोला है ग्राफिकली कर सकते हैं, तो बताओ भाई ग्राफिकली कैसे करें। मुझे तुम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर बना के दिखाओ, बोलो कैसे बनेगा। सर पहले y इज इक्वल टू रूट साइन x का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, रूट साइन x, अरे भाई साइन इनवर्स का स्क्वायर नहीं है, साइन इनवर्स x स्क्वायर है, अंदर का आर्गुमेंट का स्क्वायर हुआ है। साइन इनवर्स x स्क्वायर का ग्राफ 0 से 1 में साइन इनवर्स x के नीचे रहेगा। यस y सर x बिलोंग्स टू 0 से 1 में, 0 1 नॉन इंक्लूडेड, x स्क्वायर विल बी लेस देन x। Yes, in x belongs to 0 से 1, x square will be less than equal to x, okay? और ये तो मोनोटोनिक ग्राफ है, तो obvious ही बात है ना, 1 by 2 पे जो sin inverse का output आ रहा होगा, उसी 1 by 2 पे sin inverse का जो output, sin inverse x square का जो output होगा, वो क्या होगा? तो उसके नीचे होगा। ये बात समझ में आती है? और ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इवन है कि ऑड है? फिर ऑड है। अरे यार क्या तुम पागल हो, क्योंकि अजी इतना अच्छा बोल के फिर पागल हो जाते हो तुम। y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर इवन है कि ऑड है? इवन है सर। इवन है ना, तो ग्राफ कैसा रहेगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब तुमको तुम्हें क्या चाहिए, रेड ग्राफ लेस देन ब्लू ग्राफ, रेड ग्राफ लेस देन ब्लू ग्राफ। सीधा आपका आंसर कितना आया, माइनस वन से जीरो यूनियन वन। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। बट ग्राफिकल वे ठीक है, हो गया सॉल्व इस केस में, बट उतना अच्छा इस केस में था नहीं, अच्छा है सीखने को मिला ना कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो, जीरो से वन में एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स से छोटा होता है। हाँ सर। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक्स को वन बाई टू लू तो रेड ग्राफ क्या आउटपुट देगा, साइन इनवर्स हाफ, और ब्लू ग्राफ क्या आउटपुट देगा, साइन इनवर्स 1/4। और हमें तो मालूम है ना कि साइन इनवर्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन इनवर्स 1/4 जो होगा वो साइन इनवर्स हाफ से छोटा होगा। यस सर। तो ब्लू ग्राफ जो होगा हर पॉइंट पे रेड ग्राफ से नीचे होगा। यस सर। तो जीरो से वन में ग्राफ बन गया। अभी समझा, ये जो ब्लू ग्राफ है
ये इवन फंक्शन है, ब्लू ग्राफ जो है वो इवन फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर इवन है ना, x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, क्लियर है? यस सर। सर बोलो। सर एक डाउट था। बोलो। हाँ सर, अभी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू रूट साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, रूट प्लस माइनस रूट साइन एक्स का, बाद में एक्स इज क्या हाँ। मूर्ख हो क्या, साइन इनवर्स के एक्स का रूट तुमको समझ, क्या बोलूं मैं यार, सोचते नहीं हो आप लोग बोलेंगे पहले कुछ भी, ये थोड़ा बनाना है आपको, एक्स स्क्वायर का है भाई, एक्स स्क्वायर का है, साइन वर्स के अंदर में इनपुट एक्स स्क्वायर जा रहा है, आप रूट लेके कैसे बना लो सर? नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बाद में वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, जैसे हम लोग साइन इनवर्स का बनाते थे वैसे बना सकते थे ना? अच्छा वैसा कह रहा है बेसिक से, हाँ वो कर सकते हैं, वो हमेशा कर सकते हैं, वो ऑलवेज वी कैन। बोलो भाई कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था मैंने बताओ, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इन सब में ग्राफ थोड़ी बना पाएंगे, पागल तो नहीं, ग्राफ बनाना है ना? हाँ सर, इसलिए बेसिक तरीका हमेशा होना चाहिए, हमेशा करने का, ये बात समझ में आती है? बोलो कैसे होगा सॉल्व, क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बिटवीन माइनस 1 एंड 1 एंड x स्क्वायर बिटवीन माइनस 1 एंड 1। एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। व्हाई? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सॉल्व करके उत्तर निकालो। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन सेवन, ओके? यस सर। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, और इसकी बात करनी है ना हम लोगों को, माइनस वन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन वन, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, बिकॉज ये तो पॉजिटिव होता है, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स वन वन कट जाएगा तो माइनस वन से जीरो, तो क्या आ गया फाइनली आपका यहाँ पे आ गया माइनस वन से जीरो, और इतनी बात समझ में आती है क्या? Yes, तो आपको इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है, इसका इसका और इसका, क्या होगा आंसर? माइनस, समझा गया? अरे कॉपी कर लिए? अरे भाई कॉपी कर भी रहे हो, कैसे बैठे हो, कर लिए कॉपी?
डन सर। थर्ड क्या था? साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स। अब देखो यहां पे सॉल्व करने के देयर लॉट्स ऑफ वेज, ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। सिंपल तरीके हैं, सारे सारे अच्छे तरीके हैं। मेथड वन देखो, मैं पाई बाय सिक्स को क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स वन बाय टू। ओके, अभी डोमेन के हिसाब से क्या आ गया, एक्स स्लाइस फ्रॉम माइनस वन टू वन, और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन, एस एम आई एस एम डी एस एम आई, तो इनइक्वालिटी रिमेंस से ये बात चमकती है। इन दोनों का इंटरसेक्शन से कितना आंसर आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान से समझो अभी, ये क्लियर है। मेथड टू, ग्राफ से ये वन है ये माइनस वन है, क्या होगा बोलो? फिर पाई बाय सिक्स पे एक लाइन मार, पाई बाय सिक्स पे लाइन आएगा। तुम क्या चाहते हो, लेस देन पाई बाय सिक्स ना? यस सर। हाँ सर, पाई बाय सिक्स से नीचे ये आ गया हाफ, तो क्या आंसर आ गया यहां से लेके यहां तक, क्या आंसर आया? माइनस वन से हाफ। मेथड थ्री, दोनों साइड, पहली बात मेथड थ्री में प्रॉब्लम ये आएगी, आपको डोमेन तो लिखना पड़ेगा बॉस, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हो। माइनस वन से वन यहां तक चमकता है। हाँ सर। मेथड थ्री इज ए गुड मेथड ओनली ओनली इफ लेफ्ट साइड में नंबर्स टाइप से हैं, राइट साइड में मैं दोनों साइड साइन लूंगा। साइन लेना विल नॉट बी अ बेटर मेथड एट दिस मोमेंट बिकॉज इट विल बी बेटर, बट लेना नहीं लेना साइन, अभी छोड़ देते हैं, आगे बताओ। साइन ले लूंगा फिर क्या होगा, कर तो लूंगा मैं, चलेगा ना, क्या दिक्कत है। हेलो, नहीं मेथड थ्री रहने बेकार हो जाएगा, फालतू में कंफ्यूज हो तुम। अरे दोनों दोनों मेथड क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो, डन सर। डन है सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? cot inverse x less than root 3 less than equals to root 3। अगेन आप चाहो तो cot inverse root 3 किसका cot inverse होगा, cot inverse root 3 किसका cot inverse होगा, cot inverse 30 या cot inverse 60? 30। कॉट इनवर्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीज। हाँ एक मिनट सर, मैं रूट मैंने अरे रे रे मैं रूट थ्री दिया था क्या? ओहो ओके, अरे बात चमकती है। तो रूट थ्री कहां पे आएगा बताओ? ये तो जीरो कॉमा पाई बाय टू है ना? नहीं नहीं पाई बाय सिक्स पे नहीं आएगा, रूट थ्री कहां पे आएगा? अरे रूट थ्री की लाइन बनाओगे ना एक? हेलो हेलो अरे हेलो क्या हो गया, y इक्वल टू रूट थ्री यहां पर है ना, ये पाई बाय टू से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? और यार तुम्हें गलत बता रहा हूं, तुमको ज्यादा सॉरी समझ आ रहा है, कुछ तो बोलोगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? हाँ क्लियर है सर।
अरे पिछले वाले में तुमने हाफ की लाइन बनाई थी, पाई बाय सिक्स की लाइन बनाई थी ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं सबको क्लियर है क्या, क्या कर रहा हूँ मैं? बताओ ये वाला, तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? What will be this point का input? Hello. अजीब ही गधे लोग हो यार, क्या चल रहा है बच्चों? यहाँ क्या लिखा रहेगा? X not cot inverse X not, ये लिखा रहेगा ना? हाँ सर। क्या चल रहा है ये? Cot inverse X not equal to क्या है? तो x नॉट कितना आएगा भाई? कॉट रूट थ्री। कॉट रूट थ्री, तो आंसर क्या आएगा? अरे पता नहीं पाई बाय सिक्स पकड़ के बैठ गए हो, कहाँ पाई बाय सिक्स है यार? कॉट रूट थ्री से माइनस इनफिनिटी का प्लस, माइनस इनफिनिटी के प्लस इनफिनिटी, प्लस इनफिनिटी प्लस। अजय भी पाई बाय सिक्स पकड़ के बैठ गए हो, मुझे समझ में नहीं आया इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत, मुझे समझ में बताओ दिक्कत क्या है, क्या होगा? अरे क्लियर है क्या ये? हमको समझ में नहीं आया दिक्कत क्या आप लोग को? अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या था बताइए? कॉपी करो उसको अच्छे से, लोगों को समझ में अच्छे से आया नहीं है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। रियान ये कॉपी पेन दो ना, कॉपी सब लोग कर लिए क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे भाई नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स नहीं, क्या था? साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। दो और दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी पेज पे? कॉट इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। जरा दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो। फर्स्ट वाला माइनस वन से वन बाय रूट टू, दोनों को ऐसा अचानक से पिछले पेज पे लगा कि मतलब झटका खा गया।
हो गया सर. तो सेकंड वाला माइनस इनफिनिटी से पाई बाय फोर. हाँ भाई पहला वाला आता है माइनस वन से वन बाय रूट टू. माइनस वन से वन बाय रूट टू बनाते हैं जी. ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ किसका है जी? साइन इनवर्स. साइन इनवर्स. पक्का? हाँ सही तो पक्का. ये पॉइंट कितना है? 1, 0 और ये पॉइंट कितना है? 0, -1. ठीक है. दूसरा ग्राफ किसका बनाना है? कॉस इनवर्स एक्स. यही होगा. Yes, sir. हम लोग क्या चाहते हैं? व्हाइट ग्राफ रेड के नीचे हो, लेस देन रेड. यही चाहते हैं ना? Yes, sir. हाँ, sir. तो कौन सा आंसर आएगा? माइनस वन से वन बाय रूट टू वाला. यहां तक राइट? हाँ सर. तो हम लोग को क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट. Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कब होगा? एक्स इक्वल टू कॉमन सेंस की बात है. कॉमन सेंस एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू है ना? बाय रूट टू. वन बाय रूट टू. चमकता है. हाँ सर. क्या आंसर आएगा? माइनस वन से वन बाय रूट टू. क्लियर है? दूसरा वाला वन से इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी से वन बाय रूट टू. पहले ग्राफ बनाओगे ना बेटा? यस सर. इसका ग्राफ बनाए हो? कॉट इनवर्स एक्स. और अब मैं किसका बनाने वाला हूँ? टेन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स एक्स. हम लोग क्या चाहते हैं? टेन इनवर्स एक्स लेस देन. नहीं रे. मैंने लेस देन वाला कर दिया. अपन क्या चाहते हैं? क्या मांगते हैं? अपन क्या चाहते हैं बोलो ना भाई. tan inverse x greater than or equal to cot inverse x. हाँ तो मतलब क्या उत्तर क्या आएगा? उत्तर बताओ. वन से इनफिनिटी. इधर से लेके ये बात समझ में आती है? यस सर. हाँ सर. अपनी मेन मेहनत क्या रहेगी? दोनों का बराबरी. दोनों बराबर कब होंगे? तुम्हें क्या लगता है tan inverse x और cot inverse x बराबर कब होगा? x equal to 1. x equal to 1. x इक्वल टू वन है ना? तो क्या आएगा आंसर? वन से इनफिनिटी. बोलो मित्रों क्लियर है क्या? हाँ सर. है पक्का ना? कॉपी कर लो भाई जिसको कॉपी करना है. ये छह ग्राफ तो एकदम चार्ट जाओ. एकदम मतलब चार्ट, मतलब चार्ट ही जाओ बिल्कुल. हमेशा दो ग्राफ बनाओ साथ में रखो. कॉपी से बना लो अच्छे ग्राफ. एक साइड में जिस पार्ट का इमेज लिए हो, दूसरे साइड में जिसका इमेज है. रब करें इसको. सर रुको दो मिनट. यस सर.
बोलो भाई क्लियर है? यस सर। हाँ सर। रब करें? यस सर। यहाँ बताओ आंसर्स, पहले वाले में रेंज में क्या रेंज क्या आएगा बताओ? अरे हेलो, क्या बस तू अकेले ही पढ़ता है क्या? बाकी लोग क्या क्लास में चुप रहते हैं क्या? मतलब समझ आता है क्या? आ रही मुझे। हेलो साइन वर्स एस के जी आई एफ का रेंज क्या आएगा? सर माइनस टू माइनस वन जीरो वन। साइन वर्स एस का सर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो। माइनस फोर कैसे आ गया सर? माइनस सॉरी सर माइनस वन माइनस फाइव बाई टू तक ही रहता है। माइनस टू माइनस वन माइनस प्लस जीरो और प्लस वन। सर ये बता देंगे क्या? बताऊं साइन इनवर्स एस का रेंज तेरे को नहीं मालूम है? साइन इनवर्स एस का रेंज क्या होता है बोल? साइन इनवर्स एस का रेंज क्या होता है बोल? माइनस वन से बनता। दिमाग खराब है क्या बच्चे? साइन इनवर्स एस का रेंज क्या होता है? मैंने आप लोग उस दिन सारे छो फंक्शन का जी आई एफ और फ्रैक्शनल का बनाने को बोला था कि नहीं बोला था? बोला था सर। यार ये सच बैड सिचुएशन इवन, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बोलने आपको? आप लोग पढ़ने को पढ़ो ना यार अच्छे से यार, क्या है यार? हाँ सर, अपने डोमेन निकालने बोला था। डोमेन निकालने को बोलूंगा मैं? नहीं सर, ये क्वेश्चन सब यही थे, सिर्फ डोमेन निकालने बोला था। नहीं सर, इसका डोमेन साइन वर्सेस इसके जी आई डोमेन को निकालूंगा। इसका रेंज कितना आ रहा है बताओ सर? वही सर जीरो वन और टू थ्री। समझ में आ रहा है तने पटेल? हाँ सर। हाँ बोलो सर। जीरो वन माइनस वन माइनस टू कॉस इनवर्स सर माइनस वन भी आएगा क्या? वो कॉट इनवर्स वन टू थ्री। अरे बात समझ में आती है मेरे दोस्तों। भाई एक काम करो तुम लोग, प्लीज नेक्स्ट क्लास में टी इनवर्स एक्स छियो का जीआईएफ का ग्राफ और छियो के फ्रैक्शनल का ग्राफ बना के रख लो अपने पास, एक बार बना के देखो। तुमको समझ में नहीं आया कुछ भी? ये बात समझ में आती है? हाँ सर। भाई तुम लोग को हाँ बोलने में इतना समय लग रहा है यार। ओफ ओफ, क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो ठीक है, मैं आपको होमवर्क 9:30 के आसपास हाथ से लिख के कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है जो पढ़ाया गया अभी आज? हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो।